अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है ब्राउनी की रेसिपी। ब्राउनी की रेसिपी मैं आपको पहले भी बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत कम बजट में बनके तैयार होगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसे जब दिल चाहे खा भी सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, अपने मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच ज़रूर करना है। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बोल में 3 अंडे तोड़ लूँगी। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब हमने ले लेना है 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपनी मोटी या बारीक दोनों में से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मोटी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बीट करूँगी। बीट करते दौरान हमारी चीनी जो है वो बिल्कुल अंडों में डिज़ोल्व हो जाएगी और एक अच्छा सा फोमी टेक्सचर इसका बन जाएगा। जब ये फोमी सा अंडे बन जाएं तो इसके अंदर फिर हमने ऐड करना है 1/2 कप ही ऑयल। क्वांटिटी आप ध्यान से देखें कि मैं क्या कितना कितना यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेकिंग के दौरान जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑयल को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देना है और इसको बीटर को रोकना नहीं है, बीटर हमने चलाते रहना है। ये देखें अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट डालेंगे। ये देखें इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी कि नमक, और फिर हम 1/2 टीस्पून ही ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कोको पाउडर और ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे। कोको पाउडर को हमने छान के डालना है और मैदे को भी हमने छान के डालना है। कोको पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून और मैदा यहाँ पर हमने लिया है 4 टेबल स्पून। 1/2 कप मैदा है, कप के मेजरमेंट से 1/2 कप और स्पून में 4 टेबल स्पून। दोनों को अच्छी तरीके से हम छान लेंगे क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले हम बीटर को चलाएंगे नहीं क्योंकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिर उड़ने लगते हैं, पाउडर फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे और फिर हम बीटर को चला के और अच्छी तरह से इसका एक क्रीमी सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने मोल्ड को पहले से ही ग्रीस कर लिया और उसके अंदर एक बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने ग्रीसिंग अच्छी तरीके से करनी है और इसको सारे के सारे बैटर को इसके अंदर डाल देना है। पतीले को आपने प्री हीट करने के लिए पहले से ही रख देना है तेज़ चूल्हे पे। तेज़ चूल्हा आपने ज़रूर कर लेना है और जब आप ये बैटर रखने लगें तो चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल दम वाली कर दीजिएगा। और 45 मिनट्स के बाद आप देखिएगा तो आपका ये मज़ेदार सा केक जो है, स्पंज जो है, वो रेडी हो जाएगा। ये हमने फौरन से नहीं निकालना गरम गरम, वरना तो हमारा स्पंज जो है वो बिल्कुल टूट जाएगा। ठंडा करने के बाद आपने निकालना है। जब तक वो ठंडा हो रहा है हमने एक मज़ेदार सी चॉकलेट गनाश रेडी कर लेनी है। तो ये मेरे पास चॉकलेट है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखने की वजह से सख्त हो गई थी, अच्छी तरह से टूट नहीं रही थी। तो मैं इसे थोड़ा सा कद्दूकश कर लूँगी। इस तरीके से कद्दूकश मैंने इसे कर लिया था और यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम भी हमने ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये 2 टेबल स्पून हमने व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। खूब इसको गर्म करने के बाद ये देखें अच्छी तरीके से गर्म हो गई है, तो हमने इसे चॉकलेट के ऊपर डाल देना है। इस तरीके से हम चॉकलेट के ऊपर जैसे ही डालेंगे तो जो भी चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और एक मज़ेदार सी चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी।
चॉकलेट गनाश बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, मगर जो ब्राउनी पे लगेगी ये गनाश वो बहुत ही अच्छी और स्वीट होगी, जिससे ब्राउनी का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। बेकरी स्टाइल से भी ज़्यादा आपका मज़े की जो ब्राउनी है वो तैयार होगी और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको लंच में भी दे सकते हैं और आप इसे लंच टाइम में टी टाइम पे भी खा सकते हैं। तो हमने ये केक को पलट लेना है, जो नीचे की साइड है उसे ऊपर कर लेना है ताकि हमारा स्मूथ सा ऊपर से जो गनाश है वो लग जाए। इस तरीके से हमने इसे रख के और ऊपर से सारी गनाश स्प्रेड कर लेनी है और हमने इसे फ्रिज में रख देना है। ये सेट होने के बाद थोड़ी सी ये सेट होगी और इसको फ्रिज में हम रख देंगे ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह से सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे, जितने आपको पीसेस बनाने हैं बड़े या छोटे, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कितने ये पीसेस बनाते हैं। आराम से इसमें पूरी फैमिली खा सकती है और ये बहुत हेल्दी, आपको पता है कि आपके हाथ से बना हुआ है, हर चीज़ हाइजेनिक तरीके से आपकी बनी हुई है, तो सब कुछ आपको पता है कि सही अंडे का इस्तेमाल इसमें हुआ है, कोई ख़राब अंडे नहीं डले हैं, तो खाने का और भी मज़ा आता है। ये देखें हमारे पास ये कितनी फटाफट से ब्राउनी रेडी हो गई है। इसको आप रैपिंग शीट में करके अच्छी तरह से आप इसको फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं। ये देखें कितना मज़े का इसका जो स्पंज है वो टूट रहा है, जालीदार बन के रेडी हुआ है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का था। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। और ये देखें हमारी जो ब्राउनी है वो मज़े से हमने खा भी ली थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।